आपको बताने वाले हैं वेस्टिज डिटॉक्स फूड पैच यदि एक्सपायर हो जाते हैं तो इसके साथ में क्या रिएक्शन होता है, क्या इसको यूज करना चाहिए या यूज करना चाहिए तो किस तरह से कर सकते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहना। 5-20 में मैन्युफैक्चरिंग है इसकी और ये 5-22 में एक्सपायर हो चुकी है, तो हमने इसको रखा ही था एक्सपायर करने के लिए। और फिर रिएक्शन देखते हैं कि इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है। नीचे लाओ, ये चिपकाने वाले होते हैं जिस पे हम फूड पेस्ट को लगाते हैं और अपने तलवों पे लगाते हैं। जैसे यहां पट्टियां दिखा रखी है, आप देख सकते हैं, इसको अलग कर देते हैं। अब यह है हमारी फूड पैच, 5 पैकेट है आप देख सकते हैं। तो एक हम इसमें से ओपन करके देखते हैं, आप यहां भी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग हर पैकेट के ऊपर डेट आ रखी है 05/20 अर्थात मई 20 में बनी हुई है और 24 महीने तक यह वैलिड रहती है, 24 महीने के बाद यह स्वतः एक्सपायर हो जाती है। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके साथ में रिएक्शन क्या हो रखा है। नीचे ये डिटॉक्स फूड पैच है, हम इस पे क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं और इसके ऊपर चिपका देते हैं, तब जाकर के इसको तलवे पर लगा देते हैं। लगाने वालों के लिए भी ये सुविधा वाली बात है, तो लेकिन हम इसको क्या करते हैं देखते हैं क्योंकि एक्सपायर हो रखी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल काली हो रखी है, इससे पहले बिल्कुल व्हाइट रहती है लेकिन एक्सपायर होने के बाद में ये काली हो गई है, अर्थात हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यदि इसको यूज करेंगे तो ये आपको नुकसान दे सकती है, क्यों, क्योंकि इसके साथ में जो भी पदार्थ था उसका रिएक्शन हो चुका है। अब रिएक्शन हो गया तो अर्थात इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो जो भी वेस्टिज के प्रोडक्ट रहते हैं एक्सपायर होने के बाद में आपको वो यूज नहीं करने हैं, खासकर फूड पैच तो यूज नहीं करनी है। आप वेस्टिज फूड पैच को देख भी सकते हैं और ये जितने भी इसके अंदर पैकेट है, एक तो ये हो गया, अभी दूसरा ओपन करते हैं। इधर ये देख सकते हैं, ये खाली है, ये खाली हो गया है, ये भी चेक कर लेते हैं कि सभी के साथ में काम हुआ है क्या। ये देखते हैं ये भी काला ही हो रखा है, आप देख सकते हैं, दोनों को लगा लेते हैं। अभी इसमें से कोई गंध नहीं आ रही, कोई स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन जब ये आपके पैरों पर लग जाती है तो इसमें से बहुत ही खतरनाक गंदी बदबू आती है। यदि मच्छर मक्खी इसके ऊपर बैठ जाता है तो वो अपने आप मर जाता है, इतना जहर हमारे अंदर से निकलता है। तो मैंने भी यूज कर रखी है, यदि अपने आप को आप सही रखना चाहते हैं तो वेस्टिज फूड पैच को जरूर यूज करें जिससे कि आप लोग सही रह सकें। अब दूसरा ओपन करके देखते हैं पैकेट, ये भी एक्सपायरी हो गया, देखो आप देख सकते हैं पदार्थ के साथ में पूरी रिएक्शन होती है, जो इसके अंदर एक पदार्थ रहता है, इधर से चेक कर सकते हैं। अब दूसरा पैकेट ओपन करके देखते हैं, इसको चेक करने के लिए एक्सपायर हमने कर दिया है, यूज नहीं किया है, और रिएक्शन देखिए कि इसकी रिएक्शन होती क्या है। देख सकते हैं ये भी एक्सपायर हो रखा है, अर्थात इसकी रिएक्शन कंप्लीट हो रखी है। तो आपको एक्सपायर फूड पैच यूज नहीं करनी है, जी हाँ। तो आप देख सकते हैं ये 5 पैकेट इसके अंदर निकल के सभी एक्सपायर है, तो अब हम इसको उठा करके कूड़े में डाल देते हैं सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली जबरदस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल्थ।